जय हिंद। आज आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो ब्लॉग है लगभग एक मंथ के ऊपर हो गया हमें ब्लॉग अपलोड किए हुए। तो आज हम बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं और ऐसा कुछ बहुत ख़ास चीज़ें आप लोग को दिखाने के लिए इसलिए आज ब्लॉग बना रहे कि आप देखिए कि हम कहाँ पर रहते हैं और आज कैसे परेशान हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि हम नहीं, हमारा पूरा घर ही परेशान है और घर के साथ हमारे पास जो दो चार गाय हैं वो भी बहुत परेशान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में पूरा एकदम पानी भर गया है, एकदम बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। अभी हम आपको दिखाएंगे वो पानी, और एकदम इतना पानी भर गया है कि जिस घर में हम सोते हैं उस घर में भी पानी चला गया है। और आप जानते हैं बरसात के टाइम सांप बिच्छू से कितना डर लगता है। और अभी तो हमारे क्या रोज़ ही एक दो सांप तो मिलते रहते हैं, एक दो तो डेली ही मिलना है। ऐसा एक दिन भी नागा नहीं जाता है जिस दिन सांप बिच्छू से हम लोग का भेंट ना हो या दर्शन ना हो, तो डेली होता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये देखिए, जैसे ये हमारी मम्मी, इधर ये जैसे हमारे गाय है पूरा परेशान, और ये नादोद है। अब देख सकते हैं ये घर है, एकदम हमारा घर एकदम डूब चुका है पानी से, और कहीं भी थोड़ा से भी जगह नहीं बचा हुआ है कि कुछ हो पाया ना। ये देखिए बस ये जो आप देख रहे हैं इधर दादी का रूम है, ये पूरा भर गया, और ये हमारा रूम है, इधर भी पानी चला गया। तो हम आपको ले चल रहे हैं, आगे भी दिखा रहे हैं, और अभी भी पानी बरस रहा है, और इसी पानी में हम आपको ले चल के दिखाएँगे। देखिए जैसे ये यहाँ तक पानी आ गया, और ये हमारा आंगना है, ये देखिए यहाँ तक पूरा ही पानी हो गया, पूरा ये सब पानी ही पानी हो गया है, पूरा बाढ़ आ गया। और हमारे क्या तो गंगा जी में बाढ़ आया ही आया है, और हमारे घर पे भी बाढ़ आ गया, और हम लोग इसी बाढ़ से जूझ रहे हैं। देखिए जैसे हम इसी पानी में हैं, और कहाँ जाएंगे हम लोग अब? अब पानी हम लोग के घर में भी चला जाएगा, और चला भी गया है उधर अंगने में, दादी के घर में और हमारे भी घर में। और जिस हिसाब से अभी भी पानी पड़ रहे हैं रात भर में, हम आपको नेक्स्ट ब्लॉक में दिखाएंगे कि कहां तक पानी पहुंचा। तो पानी बहुत तेज़ पड़ रहे हैं आज ये, और ये सोचिए जो आप पानी देख रहे हैं ये एकदम छोटा से, मतलब बहुत थोड़ा से ही जगह में ये पानी था, और आज सिर्फ डेढ़ से दो घंटा का पानी बरसा और इसका ये रिजल्ट मिला। मतलब सोचिए कहीं पूरा रात भर कहीं भगवान बरसे पानी तो बाढ़ आ जाएगा हमारे घर में, पूरा एकदम जैसे हम लोग ऐसे भी आ ही गया है, ये बाढ़ तो आ ही गया है सिर्फ दो घंटे का, रात भर बरस देंगे तो फिर मतलब एकदम हम लोग डूब जाएंगे। और हो सके तो जिस हिसाब से भी पानी आ रहा है, क्योंकि इधर ये जो है ये गली है, जो गली है ये जो आप देख रहे हैं ये गली है पूरा, ये गली बहुत ऊँचा है, ये देख सकते हैं आप सामने, यहाँ बाइक जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पे ये जो उंगली के पास हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या है ये पूरा गली का पानी भी आ रहा है, इसमें पूरा गली ऊंचा है, ये थोड़ा नीचा है, इसलिए पूरा गांव का जो है इस पूरे गांव का पानी आ रहा है, इसलिए बरसात का ये कम पानी है। बाकी ये जो गांव का पानी है, ये रोड का पानी है, गली का जो पानी है ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए बहुत तेज़ ये हमारा भर जा रहा है। ये कोई फोकरा उखरा भी नहीं है, ये जैसे बीच में है आप सोच रहे हैं फोकरा, ये फोकरा नहीं है, खेत ही है, ये पूरा खेत है, कोई फोकरा नहीं है। बाकी तब भी ये बस थोड़ा सा क्या है कि हम लोग का नीचा है, ये गली थोड़ा ऊंचा है, इस कारण इसमें पानी भर जाता है, और ये पानी इतना भर गया कि अब ये घर तक ही एकदम पहुंच गया है। आपको दिखाएं अभी अंगना में पूरा पानी चला गया, दादी के रूम में, हमारे रूम में, ये पूरा देखिए इधर पूरा पानी ही पानी हो गया है। सोचिए गाय का नाद ये जिसमें सानी दिलाता था गाय का, इसमें इधर भी पानी, अब थोड़ा गाय गुरु भी परेशान, वो भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि पानी में वो भी नहीं रह पाते हैं, और ये पानी में थोड़ा रिक्स भी है, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, और बरसात के टाइम भी है, और इसमें तो हम आपको डेली ही जैसे डेली ही निकलते रहते हैं। तो जैसे देखिए इसी पानी में हमारी मम्मी गाय को सानी लगा रही हैं, पूरा सानी उनी लगाना और दूना होना बहुत परेशानी हो जाता है बरसात के टाइम में। तो और अभी तो जैसे कुछ दिन पहले हम लोग जो इधर हमारा नगर पालिका है, वो अब जैसे नगर पालिका अब नगर निगम हो गया है,
तो अभी हम लोग वो अप्लीकेशन भी दिए थे कि यहाँ पे मशीन लगाने के लिए और पाइप लगाने के लिए, तो बाकी ये है कोई सुनवाई होता ही नहीं है, तो अपने खुद अपने पैसा का इसमें मशीन और पाइप लगाए हैं। बाकी अब ये है कि पूरा भर गया है तो कहाँ निकलेगा, और यही काम कहीं पहले से हमें नगर निगम वाले दे दिए होते मशीन और पाइप, तो आज इतना पानी नहीं भरा होता, हम लोग इसको बाहर निकालते रहते हैं। क्योंकि हम लोग खुद अपने पैसे का पाइप और मशीन खरीद के लगाए भी हैं इसमें, क्योंकि हमें रहना है और किसी को तो रहना नहीं है। आप कितना एप्लीकेशन लिखेंगे, कितना नगर निगम दौड़ेंगे, डेली आप जा भी तो नहीं सकते। उनका वही कहना है कि मशीन हमारे पास है नहीं, मशीन ख़राब हो गया है, मशीन वहाँ लगा है, यहाँ लगाना है, लगा है, बहुत ज़्यादा टिटिमा होता था। और जानते हैं कि आज के ज़माने में गरीबों को बहुत कम सुनवाई है, जिसके पास पैसा है, जो अमीर है उसी का ज़्यादा सुनवाई है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से हो सकता है कुछ और, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग नगर निगम दौड़े, नगर पालिका दौड़े, सभासद के पास गए, सुनवाई नहीं हुआ, तो खुद अपने पैसे का जो भी लगा हो 40-50 हज़ार रुपये का मशीन पाइप, और खुद हम लोग सोचिए इस पानी में जा के पूरा अंदर से यहाँ से लेके वहाँ तक जाना, मशीन लगाना, पाइप लगाना, ढीलना, फिर पूरा मतलब अपने रिस्क पे लगाना है हर चीज़, ये भी नहीं। और इसकी वजह से गांव वाले को भी परेशानी होता है। बाकी यही है कि ज़्यादा परेशान तो हम लोग हैं, तो ज़्यादा हम ही लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। अब तो सोएंगे तो डर भी लगेगा, पता चले सर के पास हाथ लगाए हैं तो कुछ काट ले, या तो फिर अब चौकी है, बेड है, उस पर भी तो सांप चढ़ जाएगा जब घर में पानी चला जाएगा। अभी हमारे आंगने में एकदम जब दीवार पे सांप चढ़ रहा था, सोचिए एक तल्ला दीवार पे सांप चढ़ रहा है, छत पे मतलब सांप चढ़ रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं चौकी बेड पे तो बहुत तेज़ सांप चढ़ेगा। तो इसलिए इस टाइम सोने में भी हम लोग को बहुत रिस्क है, बहुत डर है। तो एक टाइम में देखा जाए तो हम लोग आज बाढ़ पीड़ित जिसे कहते हैं, ना हम लोग का गंगा जी के पास घर है, तो भी हम लोग का छोटा सा एक ज़मीन है, हम लोग जिसमें रहते हैं बगीचे में, उसमें भी पानी भर जा रहा है। तो ये रहा आज का हमारा ब्लॉग, आप देख सकते हैं एकदम। और अभी भी बात है कि अभी भी बारिश हो रहा है, लगातार बारिश बंद भी नहीं हो रहा है, कि थोड़ा अपना वो भी रहे कि चलिए अभी हम लोग कुछ टाइम में खाली हो जाएगा, और ऐसे ही हम लोग इसी में लड़ रहे हैं इसी पानी से। और थोड़ा सा पानी कहीं बंद हो तो हम लोग का लगे कि नहीं रात भर में हम लोग का मतलब जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है। जिस हिसाब से भी पानी पड़ रहे हैं, जिस हिसाब से वो गली में से पानी आ रहा है उधर से, इस हिसाब से लग रहा है कि रात भर में तो पानी बहुत काफ़ी हो जाएगा। इतना काफ़ी हो जाएगा कि हम सुबह को नेक्स्ट ब्लॉग में जब दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि कहाँ पानी था और अब कहाँ चला गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो कहीं आपके कोई जान पहचान का बनारस में, रामनगर में है तो उनको शेयर करिए कि आके थोड़ा हम लोग का मदद करें, हम लोग को देखें, और ये जो पानी है इसका जो निकास है वो निकलवाएं। और नगर निगम है जो ये गांव है, ये गांव का नाम है रस्तापुर, ये चौक से जब आप पंचोटी के साइड घूमेंगे तो उसी रोड पे ही रस्तापुर है, आप देख सकते हैं रोमा बिल्डिंग है, रोमा बिल्डिंग के जस्ट बगल में ही बगीचा है। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, और लोग को बता दीजिएगा कि हमसे आके हम लोग का मदद करें, इसमें मशीन लगवा दें नगर निगम से, कि दो मशीन लग जाएगा तो थोड़ा जल्दी पानी निकलेगा। एक मशीन तो मेरे पास है, एक मशीन और लग जाए तो बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।